फ्रेंड, आपके दिमाग में कभी ना कभी ये बात तो जरूर आई होगी कि आखिर बरसात के मौसम में बिजली क्यों गिरती है, बादल गरजते क्यों हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको ये बात जाननी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना होगा। अब आप कहेंगे ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो आइए जानते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये दो चीजों पर आपस में रगड़ने या घर्षण करने से उत्पन्न होती है। आप लोगों ने बचपन में गुब्बारे वाला एक्सपेरिमेंट तो किया होगा, जिसमें हम गुब्बारे में हवा भर के अपने सिर और शरीर के ऊपर रगड़ते हैं और फिर उसके बाद गुब्बारे को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज के छोटे टुकड़े बैलून में चिपकने लगते हैं। एक तरह से हम इसको भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। इसमें होता ये है, जब हम गुब्बारों को शरीर से रगड़ते हैं तो गुब्बारे पर हमारे शरीर या कपड़ों से कुछ इलेक्ट्रॉन और कई नेगेटिव चीजें गुब्बारे पर आ जाती है और एक कागज के टुकड़े को न्यूट्रल करते हैं और उनके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और इस प्रकार कागज गुब्बारे पर मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होता है और गुब्बारे पर चिपक जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को आप अपने डेली लाइफ में महसूस करते होंगे। जब आपके कपड़े किसी कंबल या किसी और चीज से रगड़ते होंगे, तब आप अंधेरे में एक चिंगारी से देखते होंगे, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है। इतना जानने के बाद आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे चरण की तरफ। आइए जानते हैं बादल में बिजली कड़कने और बादलों के गरजने के बीच का साइंस क्या है। आप जानते हैं कि बादल पानी में भाप बनके ऊपर उड़कर ठंडा होने से बनते हैं। ऊपर ये बादल इतने ठंडे हो जाते हैं कि ये छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बर्फ के टुकड़े आपस में लगातार टकराते रहते हैं और इसी टकराव के कारण एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। बादलों में नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज हल्के होने के कारण बादलों में ऊपर की ओर जाते हैं। अब ये बादलों के अंदर सेपरेट हो जाते हैं और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में किसी एक वस्तु पर स्टैटिक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक उसी तरह बादलों में भी नेगेटिव चार्ज टर्न हो जाते हैं। हालांकि बादलों के अंदर चार्ज के सेपरेट होने वाली प्रक्रिया पर अभी जारी है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है बिजली के जमीन पर आने की। अब हम सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि लाइटिंग तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, यानी एक बादल के बीच में बिजली का चमकना। इसमें बादल के बीच में ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और नीचे की तरफ भारी नेगेटिव चार्ज आपस में टकराते हैं, जिससे एक लाइटनिंग क्रिएट होती है। इसी को हम इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं, जिसमें लाइटनिंग तो होती है पर आवाज नहीं। दूसरा है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, यानी दो बादलों के बीच में बिजली का चमकना। इसमें एक बादल के नेगेटिव चार्ज जब दूसरे बादल के नेगेटिव चार्ज के पास आते हैं, तब कुछ ऐसी लाइटें क्रिएट होती है, यानी जब बिजली चमकती है तब जमीन पर खड़े लोगों को आसानी से दिख जाती है। तीसरा है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, यानी बादल और जमीन के बीच में लाइटिंग क्रिएट होना। इसे हम आम शब्दों में बिजली गिरना भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि बिजली का पिछला हिस्सा, जो कि नेगेटिव चार्ज से भरा होता है, जमीन पर किसी पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्ट होकर लाइटनिंग बोल्ट बनाता है। जमीन पर ये लगातार आइसोलेटेड पेड़ या खुले मैदान पर होता है, इसलिए बारिश के टाइम में हमें किसी पेड़ के नीचे किसी खुले मैदान में जाने से बचना चाहिए। जमीन पर गिरने वाली बिजली लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है। ये लाइटिंग बोर्ड तेजी से आवाज भी करती है, क्योंकि ये बिजली आसपास के एरिया को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। होता ये है कि बिजली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में अधिक कम समय लेती है, सेकंड से भी कम समय। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको तमाम तरह के बिजली के गिरने की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। प्यारे साथियों, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने भाइयों के साथ इसे शेयर करना ना भूले। आपके मन में भी किसी प्रकार की टॉपिक चल रही है तो उसको भी हमारे साथ साझा जरूर करिए। धन्यवाद।